देख रहे हैं रिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। गुना से सिरोंज स्टेट हाईवे के करीब भुल्लनपुरा पर भुल्लनपुरा के निवासियों ने लगाया जाम। रात में अचानक लगे इस जाम से गाड़ियों की लंबी कतारें दोनों ओर लग गईं। लोग इस बात से नाराज थे कि उनके घरों में पानी भर गया। घरों में पानी भर जाने से छोटे छोटे बच्चे तो बेहाल थे, साथ ही घर के बड़ों का खाने और सोने का ठिकाना भी न रहा। आपको बता दें कि इसी साल गुना से सिरोंज स्टेट हाईवे बनकर तैयार हुआ है, जिसमें रोड किनारे बना पानी निकासी का साधन या यूं कहे नाली में तकनीकी खामी के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी भर गया। इस परेशानी की वजह उन्होंने स्टेट हाईवे पर करीब 1 से 2 घंटे तक जाम लगा दिया। प्रशासन या नगरपालिका कोई भी अधिकारी जाम खुलवाने नहीं पहुंचा। इसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जाम खुलवाया। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने लोगों के हाल जाने कि किस तरह से लोग इस परिस्थिति में रह रहे हैं। जब मीडिया ने थाना प्रभारी से जाम के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गए, कहा कि जाम नहीं लगा, जबकि हमारे कैमरे में जाम की तस्वीरें कैद हो चुकी थी। इसके बाद भी थाना प्रभारी ने ऐसा कहा। वहीं तेज बारिश से घरों में गंदा पानी भरने के चलते लोग रात भर परेशान होते रहे। आपको बता दें कि यहाँ के मोहल्लेवासी पहले भी नालियों और रोड में गड्ढों के लिए जाम लगा चुके हैं। भुल्लनपुरा के लिए ऐसी कॉलोनी नहीं जहाँ लोगों के घरों में पानी भरा हो। कोकाटे कॉलोनी वासी भी पानी भरने से खासे परेशान दिखे। आलम यह था कि रात में लोगों के सोने की जगह भी नहीं मिल पाई और कुछ लोग तो अपना सामान बटोरते हुए भी देखे गए। तेज बारिश ने नगरपालिका द्वारा किए गए कामों की पोल खोलकर रख दी है कि किस तरह से नाली निर्माण में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई है। यदि समय रहते सही काम हो जाता तो शायद लोगों की रातों में नींद यूं हराम नहीं होती। अंदर भी है ना, अंदर खड़ी हो जा आंटी जी, अंदर खड़ी हो जा, सब किराए से हैं तुम्हारी कसम। नहीं नहीं शादी नहीं है, जरा जरा नाली बना रही है सरकार नगर पालिका। यही सब कह रहे थे आए थे। किस वजह से भर रहा पानी? गटर छोटी है और सड़क ऊंची हो गई, ये गांव की गली नीची हो गई, तो रोड के जो निकासी थी उसकी वजह से पानी है ना। हाँ, उसकी परेशानी है, कोई सड़क ऊंची हो गई गांव की नीची हो गई। सरकार ने नगर पालिका ने छोटी छोटी नाली बना दी, इस कारण पानी की निकासी सही से नहीं है। इस वजह से पानी आ, पानी की निकासी सही होती तो क्यों भरता पानी? तो यानी कि जो गटर बनाया है वो छोटी छोटी पाइपलाइन है, तो नाम मात्र किया हमने बस। कौन सा रोड है ये? रीजी रोड भुल्लनपुरा। नहीं, ये रोड कहाँ से गया है? आरोन गुना स्टेट हाईवे। पिछले 2 घंटे से जाम लगाया था, क्या कारण था, क्या जाम लगा रहा है? पिछले 2 घंटे से जाम लग रहा था, पानी भरने से लोग आ गए थे रोड पे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य समाज द्वारा मनाया जा रहा है संस्कृत सप्ताह। यह सप्ताह प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में गुना के आर्य समाज स्कूल एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर नागरिकों को तिलक लगाकर संस्कृत सप्ताह की बधाइयां दी गईं। इसके साथ ही जज्जी तिराहे पर भी ब्राह्मण समाज द्वारा लोगों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित की गयी। आज संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश शासन द्वारा
पूरे मध्य प्रदेश में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज जो है इस जयस्तंभ चौराहे पे ये आर्य समाज विद्यालय के बच्चे, स्टाफ और अन्य समाजसेवी लोग जो है संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में मंगल तिलक लगाकर संस्कृत सप्ताह की शुभकामना दे रहे हैं। इसी क्रम में जो है अभी यज्ञ चौराहे पे भी जो है मैं ब्राह्मण समाज संपूर्ण सनातन ब्राह्मण महासभा द्वारा भी सभी को शुभकामना दी गई। जिला चिकित्सालय में आज दिन भर लगी रही मरीजों की कतारें। मौसम में आए परिवर्तन के चलते नागरिकों को मौसमी बीमारियों ने घेर लिया है, जिसके चलते जिला चिकित्सालय में मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। वहीं सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करते भी देखे गए। बारिश के चलते प्रशासन ने पहले ही गुना समेत अन्य जिलों को अलर्ट घोषित कर दिया था कि कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश, जिसके चलते भुजरिया तालाब लबालब पानी से भर गया। भुजरिया तालाब में पानी भर जाने से श्रीराम कॉलोनी एवं अन्य आसपास के घरों में भी पानी भर गया। वहीं भुजरिया तालाब में काटे गए प्लाटों पर भी पानी भर गया, जिसके लिए कई सामाजिक संगठन पहले से प्रयासरत थे कि यह डूब क्षेत्र की जगह पर कुछ दबंगों द्वारा जमीन बेची जा रही है, जिसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं भुजरिया तालाब स्थित मंदिर चौक पर घुटनों से ऊपर पानी यानी तकरीबन 2 फीट पानी भर गया। रात भर परेशान होते रहे लोग। यदि समय रहते भुजरिया तालाब का सीमांकन किया गया होता और क्षेत्र के लोगों को जमीन न बेचने दी गई होती तो शायद कई लोगों की तकलीफें कम हो सकती थी। चाचौड़ा के तेली गांव से आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में लाया गया। बता दें कि एक निजी बस ओवरलोडिंग होने के कारण पलटी। इस बस में सवारी बस की क्षमता से अधिक बैठा रखी थी। वहीं छत और गेट पर भी सवारियां लटकी थी। बस के पलटने का कारण अत्यधिक मात्रा में सवारियों को बैठाना एवं ड्राइवर को तेज गति से गाड़ी चलाना बताया जा रहा है। मानस भवन में इन दिनों बह रही है ज्ञान की गंगा। प्रख्यात कथावाचक अरविंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ एवं भक्तगण श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं। वहीं आज की कथा में अरविंद जी महाराज ने बताया कि कोई भी भोजन करें उससे पहले ईश्वर को भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग इस तरह के भोजन करते हैं कि उससे ईश्वर को भोग भी नहीं लगाया जा सकता। संत श्री का मतलब था तम्बाकू और गुटखा। इशारों में अरविंद जी महाराज ने सभी लोगों को यह बताया कि जर्दा सेहत के लिए हानिकारक होता है और इसे नहीं खाना चाहिए। साथ ही महिलाओं को हिदायत भी दी कि जब भी भोजन बनाए तो पहले ईश्वर को भोग लगाएं। ईश्वर को भोग लगाने से एक अलग ही ऊर्जा संचारित होती है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आप सबसे विनती थी इस दास की, वीरराज भगवान का मंगल उत्सव हुआ और हमारे ठाकुर जी ने खूब प्रसाद पाया, खूब भगवान ने प्रसाद पाया।
वैसे तो ठाकुर जी को अनेक प्रसाद लोग 56 भोग लगाते हैं, लेकिन एक निवेदन करूं मैं आपको, ये मैं सब कथाओं में कहता हूं और यहां भी कह रहा हूं, भगवान को बिना भोग लगाए कोई भी वस्तु स्वीकार न करिए। माताओं आपसे विशेष विनती है, क्योंकि हमारे भाई लोग को अनेक चीजें ऐसी खाते हैं जिनका भोग लगेगा ही नहीं, जिनमें 10-15 बार छोटी छोटी हवन सामग्री के मुंह में जाती है, दिन भर हवन होता है। हमारे सामने खा रहा था तो हमको डर गए देख के, उस पर पैकेट में लिखा था तुलसी, बनाने वाले कितने होशियार, अब नाम है तुलसी और भरा है विष। भगवान को भोग नित्य लगा है, किसी के घर में बहुत ही बड़ी महत्ता है, बड़ी धरनावदा अंतर्गत सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि नाले के किनारे एक लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची। वहां पहुंचते ही नाले किनारे एक लाश की शिनाख्त मुन्नालाल सहरिया के रूप में की गई। जब इसकी खबर घर वालों को दी गई तो घर वाले भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मुन्नालाल के पुत्र बबलू सहरिया ने बताया कि रोज की तरह कल शाम भी पिताजी खाना खाकर खेत पर मक्का देखने गए, लेकिन सुबह 9 बजे तक पिताजी घर नहीं आए तो घर वालों ने पूरा खेत एवं जंगल छान मारा। वहीं पुलिस के मुताबिक उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनके हाथ पर एक ऐसा निशान मिला है, लेकिन परिजनों की लाश के पास कोई भी लाइट का तार नहीं मिला जिससे मुन्ना लाल को करंट लगा हो। परिजनों ने उसके पिता की हत्या होने की शंका जाहिर की है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराने के लिए भी जब उनका शव भेजा गया तो वहां पर भी परिजनों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। और कहीं निशान है क्या? और पीछे है, पीठ में। हाँ पीठ पे है। ये कहीं निशान है? ये पुराने निशान है सर। हाँ चलो ठीक, सीधा करो। सर इनके पास पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो वहाँ पुलिस वाले ही गए थे, हमारे पास हमने देख लिया अच्छा। गए तो हमें ऐसी हालत में मिले, मतलब ये कब चले गए थे, कैसा क्या मामला? सर जी रोजीना जाते हैं जी, हाँ टपरिया पे मक्का बोक रही है, वहाँ सोने के लिए 8-9 बजे चले गए थे घर से। हम सुबह बाहर नहाते रहे थे, अब आ घर बगल में ही है पास में, तो सुबह हमने डांग तक गुरवाला के गए हैं, वहीं घेर भी गए, नहीं मिले तो वहाँ जान के देखिए तो ऐसी हालत, खेत पे आप गए थे ऐसी हालत में मिले, तो आपको क्या लग रहा है मतलब देख कर? सर हमको इसकी पूरी कार्रवाई चाहिए, पूरी कार्रवाई तो चाहिए, मतलब लग क्या रहा है? मतलब सर उनके हाथ में करंट सा लगा है, करंट का निशान है, जांग पर है, तो और जांग पर है, जांग पे भी निशान है, जांग पे भी निशान है, करंट गई। सर उनको जो चाहिए वो बुला के ले गए पुलिस वालों को, उनको कैसे पता चला? जो ही कोई चाह रहा है, हम तो पुलिस वाले आपको बुला के ले गए, हमने नहीं ले गए, जो कुशवाहा को तूने बिन खुला को छोकदार से की सकत है भाई साहब, गांव वाले संसद की सकत है, फिर बिन डायरेक्ट पुलिस वाला ही बात को गिरे हम, ये तो आज इलाका गश्त के दौरान भदौड़ी के बबलू पुत्र मुन्नालाल आदिवासी में रिपोर्ट की थी कि मेरे पिताजी जो है रोज की तरह अपने मक्का का खेत रखाने जाते थे, सुबह आ जाते थे 8 बजे रात, दिन के नहीं आए, तो हमने उनकी तलाश की और तलाश करने पर वो नाले के पास मरे हुए पड़े थे, जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है, वहीं पर मौका पर रिपोर्ट लिखी गई और उसके पीएम के लिए लाश को जो है अस्पताल लाए हैं। सर इसकी मौत का क्या कारण? कुछ मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि कहीं करंट लगा है, हाथ में दाहिने हाथ पर
करंट जैसा निशान है, थोड़ा हल्का सा घाव है अंगूठा के पास में, तो वो बबलू भी और गांव वाले भी कह रहे थे कहीं करंट लगा है। तो वहाँ पे आसपास बिजली के कोई तार वार मिले क्या? बिजली के तार वहाँ आसपास नाले के पास कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कहीं करंट लगा हो और मर गया हो और वहाँ पे लाश को डाला गया। मतलब लाश अपने आप आ गई? नहीं नहीं, लाश को डाला गया है किसी ने, किसी ने डाला ऐसा लग रहा है। लेकिन अब ये PM के बाद ही पता लगेगा कि करंट से मरा है कि अन्य कोई कारण है। घर वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? घर वाले तो करंट का, घर वाले करंट का रहे? लगा रहा है और किसने मारा इस बात की हम पता लगा रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं, हम भी लगा। चलो, आपका नाम? राधेश्याम यादव। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन छिपौन में शासकीय हाई स्कूल को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह शिक्षा का मंदिर है या मजदूरी कराने का क्षेत्र। जब हमारी टीम छिपौन पहुंची तो वहां पाया कि यहां पर छात्रों से काम कराया जा रहा है, काम भी कोई हल्का फुल्का नहीं बल्कि मजदूरों जैसा। स्कूल की टूटी फूटी इमारत के अंदर ईंटें लगाने का काम। आपको बता दें कि इस स्कूल की हालत बहुत ही दयनीय है और इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो कभी भी किसी को अंजाम दे सकती है। जब हमने वहाँ पर स्थित शिक्षकों से इस बारे में जानना चाहा तो कोई भी कैमरे के आगे नहीं बोल पाया। अब समझ से परे है कि मजदूरों का कार्य इन छात्रों से क्यों कराया जा रहा था, जबकि ये बच्चे तो पढ़ने के लिए आते हैं जिनसे मजदूरी कराई जा रही थी। और बच्चों से काम करा रहा है। हर बात तो टूटी हुई है, टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। बच्चे का पता नहीं। अभी ये बच्चे काम कर रहे थे, फिर ये सर्जरी करवा रहे हैं। सर्जरी करवा रहे थे। अगर कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सर जी जाने। क्या आपका? तो क्यों खींच रहे हो? नहीं, आपका नाम क्या है सर? आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।